हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर JKSLB में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आर्टिकल 370 हटाने के बाद सबको इस चीज़ की उम्मीद थी कि न्यू डोमिसाइल JNK के लिए बनाने वाली है सरकार, तो वो कब तक आएगा। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद आया, लेकिन वो आ गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इशूड बाई मोदी गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट्स आती रहें। तो चलो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहले आपको ये बता दूँ कि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर का हटा दिया गया था सरकार ने 5 अगस्त 2019 को, इसको हटा दिया गया था। तो उसके बाद जो न्यू डोमिसाइल लॉ है JNK के लिए, उसका उसको अब गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पे अब लैंड खरीद पाएंगे और कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पे अब परमानेंट सिटीजनशिप बन पाएंगे, उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सरकार ने इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है, अकॉर्डिंग टू दी न्यू डोमिसाइल लॉ, ए पर्सन रिसाइडिंग इन द जम्मू एंड कश्मीर फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स विल नाउ बी एलिजिबल टू बी ए डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरेटरी अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, वो इंसान जो पिछले कम से कम 15 सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, वो अब एलिजिबल होगा JNK का डोमिसाइल होने के लिए। मतलब कि वो अब यहाँ का स्थायी नागरिक हो बन पाएगा जो पिछले 15 सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि सरकारी नौकरियों में कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया सेट किया है गवर्नमेंट ने। तो इसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि वो इंसान हु हैज़ रिसाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन ड्यूटी ऑफ JNK। तो पहली बात यह है कि सर्विस का फ़ायदा और रिक्रूटमेंट में वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो पिछले 15 सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। मतलब कि जो जिनके पास डोमिसाइल होगा वही अप्लाई कर पाएंगे, और जहाँ फिर वो लोग अप्लाई कर पाएंगे जो who has studied for a period of 7 years and appeared in the class of 10th 12th examination in an educational institution located in the UTF JNK। तो जहाँ तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे सरकारी नौकरियों में जो पिछले 15 सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, मतलब जिनके पास डोमिसाइल होगा। और सेकंड थिंग उसने ये बताया है कि वो लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने अपने 7 साल जम्मू कश्मीर में स्टडी करे हों और टेंथ या फिर ट्वेल्थ की एग्जामिनेशन उन्होंने इसमें से JNK के किसी भी स्कूल से करी हो। टेंथ या ट्वेल्थ की एग्जामिनेशन उन्होंने जम्मू कश्मीर के किसी स्कूल से, किसी इंस्टीट्यूशन से स्टडी करी हो, तो वही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको बता दूं कि इससे पहले इससे पहले 35A आर्टिकल जो था, वो उसके अकॉर्डिंग हमारे JNK में वही लोग नौकरियों में अप्लाई कर पाते थे जो लोग यहाँ के परमानेंट मेंबर थे, और वही लोग यहाँ पे लैंड खरीद पाते थे जो लोग यहाँ के परमानेंट मेंबर थे, जो स्थाई मेंबर थे, जो स्थाई नागरिक थे, वही उन्हीं को ये सब अधिकार थे। लेकिन अब आर्टिकल 35A और 370A दोनों को हटा दिया गया है। तो अब जो न्यू पॉलिसी है, जो न्यू डोमिसाइल रूल है, वो बना दिया गया है सरकार द्वारा। तो उसके अकॉर्डिंग जो वही लोग यहाँ पे लैंड खरीद पाएंगे अब जो पिछले 15 सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जहाँ फिर नौकरियों में अब बात करें नौकरियों की, तो वही लोग जहाँ पे नौकरी सरकारी नौकरी कर पाएंगे जो पिछले जिनके पास डोमिसाइल होगा, और जहाँ फिर जो 7 साल जम्मू कश्मीर में स्टडी करते हैं और टेंथ या ट्वेल्थ की एग्जामिनेशन जो है वो JNK के किसी स्कूल से स्टडी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।